Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपके सामने अपनी वीडियो का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। जिस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं फेवरेबल और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। हमने लास्ट दो पार्ट में, पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन बताया था पूरा BRS का, सेकेंड वीडियो में हमने फेवरेबल बैलेंस और डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक पर क्वेश्चन किया था, थर्ड वीडियो में हम क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपकी TS करेवाल जो बुक है 2019 एडिशन, उसका क्वेश्चन नंबर 9 आज हम सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन हमारे सामने, हेडिंग है क्रेडिट और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31st July 2018। इस डेट की हमें BRS प्रिपेयर करनी है। तो बैलेंस एज पर पासबुक 50,000, इट मीन्स इट इज अ क्रेडिट ऑफ फेवरेबल बैलेंस विच इज गिवन एज पर पासबुक, दैट इज 50,000। द नेक्स्ट इज 3 चेक्स फॉर ₹6,3937 एंड 1525 इश्यूड इन लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2018 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द बैंक इन ऑगस्ट 2018। जैसे हमने कैशबुक प्रिपेयर करी थी, जस्ट उसका रिवर्स करेंगे हम। तो जब हम कैशबुक प्रिपेयर कर रहे थे तो चेक्स इशूड का मतलब क्या है, पेमेंट। चेक्स इशूड का मतलब क्या है, पेमेंट। कि हमने क्या करा, चेक्स इशूड कर दिए पेमेंट के लिए जुलाई में, लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट कब हुए, अगस्त 2018 में। ओके, तो हमने क्या किया, अपनी कैशबुक में पहले ही हमने क्या कर ली होगी, इसकी एंट्री पास कर ली होगी, कैशबुक को कम कर लिया होगा, लेकिन हम यहाँ किसके थ्रू बना रहे हैं, पासबुक के थ्रू। ओके, जब हम पासबुक के थ्रू बना रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो आइटम ऐड करने वाले थे उन आइटम्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस। ये तीनों चेक जो है इनके अमाउंट को क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है 2 चेक्स ऑफ ₹500 and ₹650 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक बाय 31st July 2018। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट एट कलेक्टेड। चेक्स कलेक्ट का मतलब क्या है, कि जब हमने चेक्स कलेक्ट किए थे, जब हमने चेक्स डिपॉजिट करे तो अपनी कैशबुक को इंक्रीज किया था, लेकिन वो एंट्री पासबुक में नहीं हुई, तो वहाँ एड लेस करते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों चेक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द बैंक चार्ज 460 फॉर इट्स कमीशन। बैंक ने 460 किसके काट लिए, कमीशन के। तो कैशबुक में क्या करते थे हम इसको माइनस, यहाँ पर क्या कर देंगे हम इसको प्लस कर देंगे। ओके, पर बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड करी है कितना, 100, लेकिन इसकी एंट्री कहाँ नहीं हुई, बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक, वहाँ क्या करते थे इसको ऐड, यहाँ पे क्या कर देंगे इसको लेस। तो हमने इन आइटम्स को देख लिया, किस आइटम को ऐड करना है, किस आइटम को लेस करना है। तो आइए अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, वो देखते हैं इसकी प्रेजेंटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक कितना था, 50,000। बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 50,000। अब कुछ आइटम्स को हम क्या करेंगे, ऐड, कुछ आइटम्स को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ओके, अब किस आइटम को हमें ऐड करना है और किस आइटम को हमें लेस करना है, तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा, 3 चेक्स जो हैं उनको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, लास्ट क्लास में बताई थी, लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। 3 चेक है, 6,000 प्लस 3937 प्लस 1525, ये 3 चेक हैं। तो इन 3 चेक का हम टोटल कर लेंगे, 6,000 प्लस 3937 प्लस 1225, तो टोटल आ गया हमारे पास 11,462। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट एट कलेक्टेड, इसको क्या करेंगे हम ऐड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। ओके, कितने चेक्स हैं, एक 500 का है और एक 650 का है, तो
तो टोटल कितना हो गया 1150। ओके नेक्स्ट है स्टूडेंट 4 पॉइंट बैंक चार्ज कमीशन, तो इसको क्या करेंगे कमीशन को ऐड करेंगे बैंक कमीशन कितना है हमारे पास 460। बैंक कमीशन कितना है 460, ठीक है। उसके अलावा बैंक ने जो इंटरेस्ट अलाउड करी है उसको लेस करेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक तो कितना इंटरेस्ट अलाउड किया है बैंक ने 100 रुपीज का, इसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ओके सो सारी चीजें हमने रिकॉर्ड कर ली, अब क्या करेंगे इनका टोटल, ये आ जाएगा 0, 6 और 5 11 का 1, कैरी 1641, इसका टोटल कर लेंगे हम 01615, 51,610। ओके इसको मैं ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, इस अमाउंट को हम क्या कर देंगे लेस। ओके तो यहाँ से कैरी ले लिया 10 में से 2 गए तो 8 बचा, यहाँ बचा 0, यहाँ से कैरी ले लिया तो 10 में से 6 गया तो 4। ओके यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0, 5 में से 1 गया तो 4, तो 40,048 हमारा क्या आ गया आंसर। तो क्या आएगा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल, तो यहाँ पर क्या बचेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चनों को क्या करेंगे प्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर स्टूडेंट्स अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को बढ़ाने में हमारी हेल्प करें, अपने स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर।